अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसके थ्योरी को समझेंगे, यानी कि शुरू में थ्योरी क्या है इसको समझेंगे। थ्योरी में यह है कि रियल नंबर को हमने इससे पहले नंबर लाइन में कैसे लिखते हैं, रियल नंबर कौन से हैं, वो रियल नंबर के अंदर रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, इन सभी बातों के ऊपर हमने बात की है। ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर के नंबर सिस्टम के बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है क्लियर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में आपने सबसे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज एक तो है एडिशन के लिहाज से भी होंगी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से भी होंगी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। रियल नंबर कौन से होते थे? रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन। तो ये आप पास रेशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से लिखते हैं। रेशनल नंबर को किस से डिनोट करते हैं? क्यू। इरेशनल को क्यू प्राइम से। ठीक है, इन दोनों का जो यूनियन है वो किसके इक्वल आता है? रियल नंबर। ये एक्सक्यूज आ सकता है यूनियन ऑफ रियल नंबर यानी कि विद इरेशनल नंबर। रियल नंबर का यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर किसका यूनियन है? रेशनल और इरेशनल का यूनियन आपको से क्या मिलता है? रियल नंबर खोल के। अगर इनका इंटरसेक्शन कोई पूछे, रेशनल नंबर और इरेशनल का इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन भी हो सकता है और इंटरसेक्शन भी है। इसका इंटरसेक्शन फाई आता है। फाई किसे बोलते थे? नल सेट। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर में कुछ कॉमन होगा तो तब कुछ ना कुछ आ जाएगा ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसलिए रेशनल और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? नल सेट फाई के बराबर होता है। रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स हैं इनका यूनियन यानी कि सम जो तमाम के तमाम हो वो किसके बराबर होंगे? रियल नंबर। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर मैंने बताया, एमसीक्यूज आ सकते हैं, समझ आए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले तरह की प्रॉपर्टीज है एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टीज यानी कि एडिशन प्रॉपर्टीज आपने देखी है, बुक में लिखी हुई है, मैं प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। एडिशन प्रॉपर्टीज, ये एडिशन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी दो रियल नंबर का सम करोगे तो उनका आंसर क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। यानी कि आपको बताया गया है जब a प्लस बी करोगे इन दोनों का जो आंसर होगा वो किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर। ए प्लस बी क्या है? रियल नंबर। मान ले ए प्लस बी रियल नंबर में से है, ए प्लस बी किस में से है? रियल नंबर में से है। तो इनको प्लस करोगे तो कौन सा नंबर आएगा? रियल नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? जैसे देखे ना, टू क्या है? रियल नंबर। टू क्या है? रियल। और थ्री क्या है? ये भी रियल। रियल। अच्छा, रियल में कौन सा है? रेशनल। रेशनल फिर होल नंबर भी है, ठीक है। यानी टू प्लस थ्री करो तो क्या आता है आंसर? फाइव। तो फाइव क्या है? रियल नंबर है। फाइव भी रियल नंबर है। रियल नंबर बहुत बड़े नंबर है, ज्यादा नंबर आते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी नंबर आप जहन में सोचोगे वो रियल ही होगा। अभी आप जहन में कुछ भी सोचो, सोचो आप एक नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, फाइव रियल है। कुछ भी मतलब जहन में ऐसा सोच के बोलो कि ये नहीं हो सकता, फिर भी वो रियल होगा। विदाउट इमेजरी या कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा आप सोचेंगे वो सारे आपके जहन में जो भी नंबर आते हैं वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। 200 रियल, ठीक है। इमेजरी के अलावा यानी कि आयोटा वाले नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर ही होंगे। आयोटा वाले नंबर यानी कि आप आगे पढ़ेंगे 3 प्लस 2 आयोटा करके इस तरह के नंबर आएंगे अगले फ्यूचर, तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो आपके पास रियल नंबर नहीं होंगे। तो एडिशन प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से
मोलर प्रॉपर्टी एडिशन की लिहाज से क्या है, ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ए और बी क्या है, कोई रियल नंबर्स है। हमने ए को क्या मान लिया, ए को 2 मान लिया, बी को क्या मान लिया, 3 मान लिया, 2 प्लस 3 कर दिया, 5 आया, तो 5 खुद भी क्या था, रियल नंबर था। तो क्लियर प्रॉपर्टी के भी क्या है कि जब भी दो नंबर्स को प्लस करो, दो रियल नंबर को प्लस करो, तो उसका आंसर भी रियल ही आएगा। जैसे कुछ और कर दो यार, 200 प्लस 300 कर दो, क्या आएगा, 500 भी रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि क्लियर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को याद रखने का ये मकसद है कि इससे जुड़ी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आपको इस तरह की प्रॉपर्टी देंगे, बोली कौन सी प्रॉपर्टी चूज हो रही है बताओ, तो आप बोल देंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर। ये क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन, एडिशन। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। दो तीन प्रॉपर्टीज है वो सारी आपने पढ़नी है। अब क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है, मैं साथ साथ चलाऊंगा ताकि आसानी हो जाएगी समझने के लिए। एक होती है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की लिहाज से भी है। वो कौन सी है, जैसे मैं बात करूं ए मल्टीप्लाई बी करो, ए मल्टीप्लाई बी करो तो इससे क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ए मल्टीप्लाई बी करो तो इससे क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। यानी कि ए और बी फिर किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इससे क्या आ रहा है, 6, और 6 क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। 6 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, 2 और 3 6 का 2 3 और 6 का पेयर बन रहा है मल्टीप्लाई के। तो इसी तरह कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आता है, रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो रियल नंबर प्लस करो उससे जो नंबर आएगा वो भी रियल होगा, ये प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दोनों में फर्क रखना, इसमें बीच में मल्टीप्लाई आता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है या क्रॉस का, तो डॉट से करेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर प्लस हो और उनसे जब रियल नंबर आ रहा हो तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उससे रियल नंबर आ जाए तो वो कौन से नंबर होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। फर्क किस बात का, साइन का फर्क, आते दोनों से रियल नंबर, दोनों के आंसर रिजल्ट में रियल नंबर ही आएंगे। फर्क किस बात का है, साइन का फर्क है, इसमें प्लस आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, तो जब भी प्लस आए तो वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई आए तो वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी दो तरह की होती है। डब्ल्यू आर टी का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। डब्ल्यू आर टी का क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैं कहूं दो नंबर है, तीन नंबर लेंगे, अभी कितने लेंगे, तीन। मैं कहता हूं ए प्लस बी प्लस सी करें, इसका आंसर होगा किसके बराबर, ए प्लस बी करें जो आए उसको सी के साथ प्लस करें। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर। ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि आप पहले बी और सी को प्लस करें, जो आया उसको ए के साथ प्लस करें, उसका आंसर बराबर आ जाएगा ए और बी को प्लस करो, फिर जब बी और सी को प्लस किया था, अब की बार किसको प्लस करेंगे, ए और बी को, फिर जो आया उसको सी के साथ प्लस करेंगे, तो दोनों साइड का आंसर बराबर आ जाएगा। कोई भी नंबर लेंगे, शर्त ये है कि ए बी सी क्या हो जाना चाहिए, रियल नंबर, रियल नंबर होना चाहिए। यदि ये रियल नंबर होते हैं, अगर ये रियल नंबर आपके पास है, ए बी सी को रियल नंबर हो, 2, 3, 4 ले सकते हैं, 1, 2, 3 ले सकते हैं, तो इन दोनों साइड्स का आंसर क्या रहेगा,
सेम तो ये प्रॉपर्टी बी में प्लस रहे तो ये इस तरह की सिचुएशन हो तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। जैसे मैं बात करूं एक नंबर ए के बदले में क्या ले टू, बी के बदले में क्या ले थ्री, सी के बदले में क्या ले फोर, आप अपने से कोई और नंबर ले सकते हैं ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। तो हम ये वाली साइड देखना चाहते हैं, टू बाहर रखेंगे थ्री और फोर अंदर रखेंगे, यहाँ पे टू और थ्री बाहर रखेंगे फोर को बाहर, बात समझियो। टू अब इसका क्या आंसर आ रहा है सेवन, टू और थ्री फाइव इसका क्या आंसर आ रहा है फोर, सेवन और फोर, सेवन और टू नाइन, फाइव और फोर नाइन, बराबर है रियल नंबर। जब आप रियल नंबर लोगे फिर इस तरह के सिचुएशन इस तरह के बी और सी को पहले हल करोगे फिर ए के साथ, ए और बी को पहले हल करोगे फिर बी के साथ, तो ये बी में साइन प्लस का है तो तब कौन सी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगर आपने बी में मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो बनाते हैं कैसे बनेगी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी मल्टीप्लाई का साइन क्या होगा समझ आइए, इसको भी चेक कर सकते हो। यही नंबर लेके पहले बी सी को करेंगे, बी किसको माना था थ्री और फोर, बी सी उसको माना था ना, एक जगह क्या लिखूंगा टू, बी की जगह थ्री फोर, ए की जगह टू थ्री, टू को पहले छोड़ दें थ्री फोर ट्वेल्व, टू थ्री सिक्स और फोर को करें टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, मतलब ये रियल नंबर को अगर हम यूज करें इस्तेमाल करें तो दोनों साइडों का आंसर बराबर आएगा। ये नीचे वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये बात समझ आई होगी सर। ये अगर इनका है नीचे वाले आंसर बराबर ना हो तो फिर आई नहीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तभी प्रॉपर्टी होती है जब आप हो जाते हैं सर, सही है ठीक है समझ आ गई। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब आपने समझ लिया है, अब ये प्रॉपर्टीज आगे यूज होंगी, एक्सक्यूज में इस तरह इनको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज का, इन बारह में ध्यान में रखने को की जरूरत है, ये प्रॉपर्टीज में कल पूछूंगा उनसे। अब देखिए नीचे तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। पहले पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, नाम में ही कहानी छुपी हुई है, अच्छा नाम ही काफी है, गौर करें एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते किस चीज को कहते हैं पहचान, पहचान यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड करें तो पहचान उसकी बदले ना एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताती है, आइडेंटिटी कहते हैं किसको है पहचान, पहचान एडिटिव कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उस नंबर की पहचान खराब ना हो सके, पहचान खराब ना हो क्या मतलब, मैं कहता हूं ना टू के साथ कोई नंबर ऐसा प्लस करो, एडिटिव है ना एड से मतलब है जमा से मतलब, तो टू के साथ कोई ऐसा नंबर प्लस करना है कि जिससे टू टू ही रहे टू चेंज ना हो, माइनस फोर किया तो फिर तो टू क्या है माइनस टू है ना, कोई ऐसा नंबर प्लस करो जीरो, सोचो जीरो, जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो क्या है ये खुद ही आपने सोचा है, मैंने नहीं बोला, यानी वन करेंगे तब भी थ्री बन जाएगा, टू के साथ जब थ्री के साथ में कौन सा ऐसा नंबर प्लस करूं जब थ्री ही रहे थ्री की पहचान खराब ना हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होगा जिसको किसी को किसी भी नंबर के साथ जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उसकी पहचान खराब ना हो सके, तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, टू प्लस जीरो ब्लैंक इक्वल टू टू, याद है ना, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ये भी प्रॉपर्टी है रियल नंबर से ठीक हो गया। या ये भी लिखते हैं a प्लस जीरो करो या जीरो प्लस a करो तो आंसर क्या आएगा a ही आएगा, a की पहचान खराब नहीं होगी जीरो प्लस a, इसी तरह एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब ऐसा नंबर सोचो जिसके मल्टीप्लाई करने से वो नंबर ही रहे वो नंबर चेंज हो, वन बिल्कुल वन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी, समझ आएगी, टू और वन टू आएगा,
ठीक है। तो वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जहां इसको बुक में इस तरह भी लिखा रहता है a मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन मल्टीप्लाई a, आंसर a ही आएगा। क्या जीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ, जीरो कर देता है।